नमस्कार। आज मैं आपको मोर पंख के बारे में बताऊंगा कि वास्तु ज्योतिष में मोर पंख का क्या उपयोग है और ये जो मोर पंख है हमें घर पे किस डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि हमारे घर की बरकत सबसे ज़्यादा हो। तो पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सबको पता भी होगा कि जो मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, ये बहुत पवित्र पक्षी है और इसका पंख बहुत उपयोगी होता है। अगर आपको काल सर्प योग है तो भी आप मोर का पंख यूज़ कर सकते हैं काल सर्प को कम करने के लिए। अगर आप पे राहु लगा हुआ है तो भी आप मोर पंख का अपने घर में रख सकते हैं जिससे आपका जो राहु है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और भी इसके मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको आपको कहाँ रखना है। ये आप घर के तक्षशिलपुर में रख सकते हैं। आप जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर अलग अलग डायरेक्शन में रखने का इसका अलग अलग फ़ायदा होता है। मोर पंख को घर के दक्षिण पूर्व कोर में लगाने से बरकत बढ़ती है और किसी भी टाइप का सडन कोई प्रॉब्लम नहीं आती है लाइफ में। काल सर्प के दोष को भी दूर करने के लिए इस मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। काल सर्प वाले जिन जिन लोगों को काल सर्प लगा है वो अपने तकिए के अंदर 7 मोर पंख सोमवार के दिन सोमवार रात्रि में रखें और प्रतिदिन इसी तकिया का आप इस्तेमाल करें और अपने बेडरूम के पश्चिम दीवार पर मोर के पंख का पंखा जो होता है ना, आप देखते होंगे कि एक गुच्छा टाइप का मोर पंख होता है, कम से कम उसमें 11 मोर पंख होने चाहिए, वो आप लगा दें तो जो काल सर्प दोष होता है वो उससे जो आपके कामों में रुकावट आती है वो नहीं आती, वो दूर हो जाती है प्रॉब्लम। अगर बच्चा जिद्दी है तो भी आप पंखों के मोर पंख को रख सकते हैं जिससे बच्चे पे अगर कोई नज़र लग जाती है तो वो भी दूर हो जाती है इससे। और इसे घर पे रखने से कहते हैं कि सांप नहीं आते, किचन में रखने से छिपकलियाँ नहीं आती हैं, तो ये भी इसका एक दूसरा उपयोग कह सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, आप जानते होंगे 9 ग्रह क्या होते हैं, जैसे शनि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, राहु, केतु, ये सारे जो हमारे 9 ग्रह हैं इनके जितने भी दोष हैं आप मोर पंख का यूज़ करके इन दोषों को दूर कर सकते हैं। बट ये है कि आपके ऊपर जिसका दोष ज़्यादा है उसके लिए आपको रखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है सबके लिए, तो वो आपको चेक करना होगा किसी भी पंडित के पास। अगर जैसे कि आपके पास आपको ऊपर गुरु की अशुभ दशा है या शनि की अशुभ दशा है तो उस हिसाब से आपको उस डायरेक्शन में यूज़ करना पड़ेगा, कितने मोर पंख यूज़ करने पड़ेंगे, ये सब आपको पर्टिकुलर ग्रह के लिए पर्टिकुलर यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आपको उससे पता करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम मोर पंख का एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा है और इससे हम अपनी लाइफ में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।